For a decade, protests have been going on for the compensation of landowners who have been given up their property for the construction of National Highway 27 from Mahur to Ditok Chera under East-West Corridor by National Highway Authority of India. No solution has come up even after repeated talks and appeals. However, after Indigenous Students Forum, who have been demanding compensation for these landowners, took the matter up with the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, things have started to move in the right direction. A meeting for this was held on Saturday evening last in Haflong between NHAI District Administration of Dimahasaw, Dimahasaw Autonomous Council, landowners and members of the Indigenous Students Forum, wherein it was decided that a fresh assessment would once again take place, for which NHAI has requested for more time for completion of this task. Asmi Hamlok, Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sir ka direction ka mutabik हम लोग यहाँ पर उसने कमिटी फॉर्म किया था स्टेट गवर्नमेंट से डैमेज असेसमेंट कमिटी बोल के फॉर्म किया था. इसमें हम लोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनसिल्स ऑटोनोमस काउंसिल वो चेयरमैन है और डीसी मेंबर सेक्रेटरी है और जितना गांव बुरा है वो लोग मेंबर है और गांव में दो दो अफेक्टेड को भी मेंबर बनाया और हम लोग एनसिल्स इंडिजिनियस स्टूडेंट फोरम भी हम लोग मेंबर है. तो हम लोग यहाँ पर मीटिंग किया है. इस मीटिंग में हम लोग नेशनल हाईवे का जो दोबारा ये असेसमेंट कमिटी से दोबारा स्पॉट विजिट करके रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था. हम लोग पब्लिक लोगों से बताया कि दो दिन का अंदर में ये जो साइट विजिट करके स्पॉट विजिट करके वेरिफिकेशन ख़त्म करना है. हम लोग मूव किया था मगर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनसिल्स ऑटोनोमस काउंसिल की तरफ से बोला है टेक्निकल ग्राउंड है ये ख़त्म नहीं होगा. इसलिए हम लोग एग्री किया है ज़्यादा फास्ट होने के लिए दो टीम बनाया है. एक है माहौर तरफ लोग विजिट करेगा और एक है हरंगाजा पोर्शन विजिट करेगा और ट्यूजडे से शुरू करेगा और ये आने वाला हफ्ता के अंदर में जितना पेपर वर्क है जितना रिपोर्ट है वो ख़त्म करके हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को टू रिलीज द फंड हम लोग ये सबमिट करेगा बोल के आज में फैसला लिया है. क्या दो साल हो गया है हम लोग कॉम्पेंसेशन नहीं मिला. रेलवे से तो दिया से था अपना पैसा मगर नेशनल हाईवे से वो लोग बोला है रूल्स नहीं हम लोग नहीं दे सकेगा. तो माया करके हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर से बोला नेशनल हाईवे नहीं देगा तो हम देगा बोल के ये स्टेप लिया है. अराउंड अभी 900 प्लस अफेक्टेड फैमिली है इसमें और 28 गांव है.